नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। ऐसे में इस बार अगर हम छठ पूजा की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कई सारे जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे और कई सारे रोक भी लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई है जहां पर प्रशासन के रोक के ऊपर जो आस्था है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें औरंगाबाद जिले से सामने आई है जहां पर देव में छठ पूजा करने का बेहद महत्व माना जाता है। ऐसे में हर साल वहां पर जो भीड़ है वो उमड़ती है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए इस बार भी प्रशासन की तरफ से वहां पर रोक लगा दी गई थी ताकि कोरोना को जो है नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि वहां पर करीब 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु छठ पूजा करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में कार्तिक छठ व्रत के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस बार छठ मेला का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद देव के पौराणिक सूर्य कुंड पर आज 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ दिखाई दी और उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित किया। बता दें कि देव में साफ तौर पर प्रशासनिक आदेश पर आस्था भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर देव के सदियों पुराने सूर्य मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया है और आज सुबह से ही यहां लोग कतार में लगे हुए हैं और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देव में छठ व्रत के अवसर पर 12 बजे दिन के बाद से ही अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो लगातार जारी रहता है। आपको बता दें कि इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई, सुरक्षा और तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। ऐसे में औरंगाबाद जिले के देव में जो लोगों की भीड़ है वो देखने को मिली। करीब 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से छठ पर्व को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, सुनवाते हैं आप। बिहार के लिए बहुत महान पर्व है, 4 दिन का पर्व होता है। इसमें हम लोग कल का जल पिए हुए हैं, आज दिन भर उपवास रहेंगे, कल उगते सूरज का अर्घ देकर उसके बाद जल ग्रहण करेंगे। आज किस कारक पड़ता है? आज वो डूबते सूरज का, आज डूबते सूरज का अर्घ पड़ेगा और कल? कल उगते सूरज का अर्घ। इसके बाद पारण होगा? पारण होगा। 2 साल कोरोना काल में पूरी तरह से देव बंद था और आज चालू हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ये छठ पर्व है क्या, इसमें कितने दिन का त्योहार है? छठ पर्व अब 3 दिन का त्योहार है। कल से शुरुआत होता है नहाए खाए से, जी जी खरना था कल, आज उपवास है और कल पारण हो जाएगा। तो ये उपवास क्या, आज का अर्घ जो होता है वो कैसे होता है, किस सूर्य को अर्घ दिया जाता है? डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या ये तो अद्वितीय है? हाँ, भारत में ही ऐसा होता है कि डूबते हुए सूर्य को? भारत में ही ऐसा होता है, डूबते सूरज का प्रणाम करना या पूजा करना सिर्फ भारत में ही है। अच्छा, और फिर ये अनुष्ठान कब समाप्त होता है? ये अनुष्ठान कल सुबह समाप्त हो जाएगा। कैसे? कल शाम का सुबह उगते सूरज का हम लोग अर्घ देंगे और उसके बाद अपना जो पारण करेंगे। तो बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ महापर्व आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही जो छठ व्रत है और उसमें जो है समाप्ति हुई है इसकी। ऐसे में अलग अलग जगहों से जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है और इस बार प्रशासन की तरफ से कुछ रोक भी लगाई गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए और उसी को देखते हुए औरंगाबाद के देव में भी जो है रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु थे उनकी श्रद्धा देखने को मिली, भगवान की तरफ उनकी जो आस्था है वो देखने को मिली और इसी को देखते हुए वहां पर करीब 10 लाख से भी अधिक लोगों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पैनी नजर बनाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, तमाम तरह की व्यवस्था करवाई गई है ताकि कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी वहां पर न हो। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।